दोस्तों, अगर आपने भी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर यहां पर जो है डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति का भी यहां पर ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड हो चुका है और इस व्यक्ति का भी देख पा रहे कि इनका भी यहां पर ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है जो कि इनको ट्रेनिंग लेने के लिए 1/9/2023 को जाना होगा। तो दोस्तों किस तरीके से आप भी अपना ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको इसी तरह जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है mmsky.mp.gov.in पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहां पर आने के बाद आपके सामने इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है और यहां पर हाल ही में नए फीचर भी यहां पर ऐड किए गए, जैसे कि यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए कुल यहां पर कितने प्रतिष्ठान किए गए वो देखने को मिल जाता है, कितना यहां पर अभी भी पद खाली है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि 70,906 पद अभी भी खाली है और कितने लोगों ने आवेदन कर दिया वो देखने को मिलता है। यहां पर देखिए किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है वो भी यहां पर बताया गया है। जैसे कि यहां पर देखिए अब तक यहां पर जो कुल जनरेटेड अनुबंध यहां पर हो चुके हैं 19,656 और यहां पर कितने लोगों ने यहां पर स्वीकृत कर लिया अनुबंध 13,619 यहां पर लोगों ने स्वीकृत कर लिया गया है, यानी कि अनुबंध को स्वीकृत कर लिया गया है। और कितने लोगों को अनुमोदित अनुबंध यानी कितने लोगों को जॉब लग चुका है, ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, वो जॉब भी कर रहे हैं, तो 9,507 लोग यहां पर जो है उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, वो लोग यहां पर जॉब भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पर जब प्रक्रिया बताया गया कि किस तरीके से यहां पर सिलेक्शन होता है, पहले यहां पर जनरेटेड अनुबंध होगा, फिर आप यहां पर स्वीकृत करेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, तो इस तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन होना होगा। लॉग इन होने के लिए सिंपली यहां पर देखिए मेनू वाला ऑप्शन दिया गया, इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, लॉग इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के लिए जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा को फिलअप करेंगे, देन लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद जैसे दोस्तों आप आवेदन की स्थिति देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी वैकेंसी के लिए आवेदन किया होगा वो आपका पर सारा शो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कि इस व्यक्ति के यहां पर देखिए इनको एक ऑफर यहां पर आ चुका है जो कि 6/8/2023 को यहां पर आया था और इनको यहां पर देखिए मिल रहा है किस कंपनी में, यानी कि किस पद पर, असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन फिटर के लिए यहां पर इनको ऑफर आया हुआ है जो कि अब इनको यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो चुका है, इनको यहां पर जो एक्सेप्ट करना होगा। तो दोस्तों आपको भी इस तरीके से अपना आवेदन की स्थिति में चेक करना है, या तो आपको यहां पर शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू देखने को मिलेगा, जिनके यहां पर इंटरव्यू होता है उनको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, उनको इंटरव्यू देना होगा, और किन्हीं किन्हीं लोगों का डायरेक्ट यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले लिया जाता है, यानी कि उनको डायरेक्ट यहां पर जो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनको कोई भी इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको डायरेक्ट जॉब मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन आया होगा। और जिनका यहां पर पेंडिंग शो हो रहा है उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप लोग टिकट बनाए, जिनका पेंडिंग हो रहा है वहां से आप लोग कंप्लेन करें, हो सकता है कि आपको जरूर रिस्पॉन्स मिले। बाकी आप जितना ज्यादा हो सके उतना यहां पर वैकेंसी के लिए आवेदन करिए। कुछ लोगों ने तो 200 यहां पर वैकेंसी के लिए आवेदन कर दिया है, हुआ ही नहीं है, तो आप आवेदन करते रहिए, किन्हीं न किन्हीं में आपका यहां पर जो सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी भी पद के लिए आपको यहां पर अगर ऑफर लेटर आता है तो अच्छा यही रहेगा आप उनको एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो आप उनको रिजेक्ट करेंगे तो बाद में पता नहीं आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इनको यहां पर देख पा रहे कि मैं आपको इनका एग्जांपल के तौर पर समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे। तो इनका यहां पर एक ऑफर आया हुआ है जो कि असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन फिटर के लिए आया हुआ है, तो इनको यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव करना होगा यानी कि एक्सेप्ट करना होगा। तो सिंपली आपको इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। व्यू वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार यहां पर खुल करके आ जाता है और यहां पर देखिए इनको देखने को मिलता है अभिनंदन, आपको असिस्टेंट कंस्टेबल फीटर के लिए ऑन जॉब प्रशिक्षण के लिए चुना गया है, यानी कि आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और यहां पर बताया गया कि प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहां पर आईडी देखने को मिलता है साझा किया गया है, अगले 7 दिन के भीतर यानी कि 7 दिवस के भीतर जो कि 7 दिन होता है, अनुबंध के सभी दिशा निर्देशों को पढ़े एवं अनुबंध को स्वीकार करें अथवा अनुबंध स्वतः ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप यहां पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऑटोमेटिक आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनके बाद आपको यहां पर क्या करना है, व्यू कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध देखें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने नियम एवं शर्तें देखने को मिल जाता है, आप इनको ध्यानपूर्वक रीड करके जरूर पढ़ लेंगे। उनके बाद इस वाले ऑप्शन पर आपको चेकआउट कर देना है। अब आपको यहां पर एक्सेप्ट प्रोसीड फॉर साइन इन का ऑप्शन मिलता है और रिजेक्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर ई साइन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस कंपनी में नहीं करना चाहते हैं तो आप बेझिझक यहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं, फिर उनके बाद दूसरा आपको ऑफर आएगा उस कंपनी के लिए आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने किया है। अगर आप पूरा श्योर है कि मैं इसी कंपनी में इसी पद के लिए जॉब करूंगा तो आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर ई साइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने हस्ताक्षर करने
करने के लिए ई साइन सर्विस खुल करके आ जाता है। अब आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आधार ओटीपी आपको सिलेक्ट करना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उनमें ओटीपी भेजा जाएगा, उस वाले ओटीपी को टाइप करेंगे। इन टर्म एंड कंडीशन को रीड करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको चेकआउट कर देना है। देन उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इन सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही दोस्तों आपका काम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करना है। अब दोस्तों आपको वापस से आवेदन की स्थिति देखे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर जिस कंपनी के लिए अभी यहाँ पर ई साइन किया था उनका यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेटिक पहले जिन्हें भी यहाँ पर आवेदन किया था वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था ऑटोमेटिक सभी यहाँ पर देखिए रिजेक्टेड बाय सिस्टम देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे आप किसी भी वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर अनुबंध हस्ताक्षर करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, उनके बाद जितने भी आपने वैकेंसी के लिए आवेदन किया होगा सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के द्वारा वो आपको यहां पर शो हो जाता है। तो दोस्तों आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है डाउनलोड द फाइल इंस्टेंट, तो सिंपली आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर में देखेंगे तो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग इस तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि आपका यही आपका ज्वाइनिंग लेटर है। जिनका भी यहां पर नहीं खुल रहा, जिनका शो नहीं हो रहा, दिक्कत आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका पर कुछ देर बाद शो होगा, तो आपको इंतजार कर लेना है। लगभग यहां पर इसी तरीके से सबका पर जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है और इजीली तरीके से वो अपना ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड भी कर पा रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको डाउनलोड करना है। और आपको क्या करना होगा, जो भी आपका एड्रेस होगा यहां पर आपको सबसे ऊपर में एड्रेस देखने को मिल जाता है, इसी एड्रेस पर जाकर के आपको ज्वाइनिंग करना होगा, यानी कि वहीं पर आपको जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर में आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है, बाकी आपका पर पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ जेंडर ये सब देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए कितना मंथ का आपका पर ड्यूरेशन ऑन जॉब ट्रेनिंग रहने वाला है वो यहां पर बताया गया, जैसे कि देखिए इनका 12 मंथ का ट्रेनिंग मिलने वाला है, और यहां पर कब से जाना है वो भी यहां पर देखिए पीरियड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो इनको यहां पर देखिए 18/8/2023 को यहां पर इनको ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, तो वहां पर आपको डेट भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपना ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड करेंगे, इनको सिंपली प्रिंट आउट करके आप निकाल लेंगे, और जो भी एड्रेस दिया हुआ रहेगा उस एड्रेस में आपको जाकर के ट्रेनिंग लेना होगा। और यहां पर देख पा रहे कि एक एसओ ने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया कि सर हमारा यहां पर जो है ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, हमने यहां पर अपना ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड भी कर लिया है, इनको यहां पर देखिए कल जाना है, जो कि यहां पर इनका डेट देखिए शो हो रहा है पीरियड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो देखिए इनको यहां पर 1/9/2023 को जाना है। इसी तरीके से आपको यहां पर जो डेट शो हो जाएगा, और इनका जो लास्ट डेट देखिए 31/8/2024, यानी कि इतने दिन का यहां पर जो टाइमिंग पीरियड रखा गया जो कि आपको ट्रेनिंग लेना होगा, डेट यहीं पर शो हो जाएगा। जैसे आप अपने यहां पर ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड करेंगे यहीं पर आपको डेट देखने को मिल जाता है कि कब आपको यहां पर जाना है, बाकी जो भी आपको एड्रेस दिया गया उसी एड्रेस पर आपको जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे यहां पर जो सबका सिलेक्शन हो रहा है काफी स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे यहां पर अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है, और सबका यहां पर जो ज्वाइनिंग लेटर भी अब धीरे धीरे डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना यानी कि अनुबंध की प्रक्रिया करनी है, और कैसे आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड करना है।